दिवाली अब खत्म हो गई और दिवाली जब थी तो बहुत सारी दिवाली की छुट्टियां भी थी, तो मेरे तो मंडे से स्कूल खुलने वाले हैं, बट मैंने इस दिवाली छुट्टी बहुत मजे किए, क्या क्या नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना हॉलीडे फेस्टिवल रूटीन बताऊं, तो कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर दोगे, बट आप जल्दी से मेरे को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। तो पहले मैं सुबह उठती हूँ, सुबह मुबह नहीं उठती मैं तो उठती हूँ नून के वक्त जब 12 बजने वाले होते हैं, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, जल्दी कौन उठना चाहेगा। बट हाँ, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उस दिन छोटी दिवाली थी, तो उस दिन मैं जल्दी उठ गई थी 9 बजे। तो ये मेरे पापा का ऑफिस है और ये उनके फ्रेंड्स हैं और अब ये लोग पूजा करेंगे और हम लोग शायद मैकडोनल्ड्स जाएं, क्योंकि हॉलीडे रूटीन है तो आप लोगों को तो पता ही है हॉलीडे में तो मैं सब सिर्फ जंक फूड ही खाती हूँ। तो हम लोग रंगोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे किसी डिजाइन को फॉलो करके, बट हमारी अच्छी नहीं बन रही अभी तक। पूजा हो गई है, बस आरती बची है और हम लोगों को लेट हो रहा है और हम लोगों ने अभी खाना भी बताया है, ब्रंच करेंगे अब चलो। तो हम लोग ब्रेकफास्ट स्लैश ब्रंच के लिए मैकडोनल्ड्स आए हैं और मैकडोनल्ड्स मेरा फेवरेट है, तो हम लोग आज यहाँ पे ही खाएंगे क्योंकि मेरे को बहुत तेज की भूख लग रही है, तो जल्दी चलो खाते हैं। तो फिर शूट के बाद भी हम लोग बहुत थक जाते हैं, कभी कभी मैं वीकेंड्स पे मतलब मन करता है ना खाना खाने का लाइक बाहर से, तो हम लोग खा लेते हैं, कभी KFC ऑर्डर करते हैं कुछ, आज हम लोग ने मैकडोनल्ड्स खाया। तो हम लोग घर आ गए और घर आके सबसे पहले इस बच्ची को इतना प्यार देना पड़ता है, इतना ज्यादा प्यार देना पड़ता है, नहीं तो ये छोड़ती नहीं है देखो। तो हम लोग आ गए हैं अपनी पूजा पाठ करके और पेट पूजा करके, और आप लोगों ने घर शूट में काफी देखा होगा, तो आज आप एक बार अंदर से इन डेप्थ टूर ले लो हमारे घर का। आज मैं आपको पहली बार अपना होम टूर कराऊंगी, बट एक बार पहले मैं कपड़े चेंज करके आ जाती हूँ। तो आप पहले मैं और जूही आपको दिखाने वाले हैं हमारे घर के मालिक यानी हमारे मम्मी पापा का रूम, और यहाँ पे बेड है, अभी नई नई बेडशीट्स भी लगी हुई है क्योंकि दिवाली है कल, और यहाँ पे जब अगर कभी मेरे को रात को मूवी देखनी होती है, काम करना होता है, तो मैं इस चेयर पे बैठ के काम करती हूँ और जूही भी इसी चेयर पे सोती है अगर हम मम्मा पापा के साथ सोते हैं। और ये हमारे घर का टीवी बहुत बड़ा है ये टीवी, और इसमें सारी मूवीज देखने में बड़ा मजा आता है। रिसेंटली अभी हमने जवान देखी थी जो मेरे को लगा था कि मतलब थोड़ी अजीब और लेकिन सी होगी, बट वो एक्चुअली जनरली बहुत अच्छी मूवी थी। और फिर हमारा जो मेन रीजन मेरे को ये घर बहुत अच्छा लगता है, मम्मा पापा का क्लोजेट प्लस वॉशरूम, और ये क्लोजेट काफी बड़ा है और मैं सुबह सुबह यहाँ पे भी कभी कभी रेडी होती हूँ। बट एक बार पता क्या हुआ कि जुमरी ना गलती से क्लोजेट में बंद हो गई थी और ये दरवाजा खुला था, ये ऐसे खुलता है, तो ये यहाँ पे सो रही थी। और फिर नेक्स्ट है ये मम्मा के कपड़े, और फिर भी मम्मा कहती है कपड़े नहीं है, कितने कपड़े चाहिए मम्मा को। और फिर है हमारा वॉशरूम। तो आपने मेरा रूम तो हजारों बार ही देख लिया होगा क्योंकि हमारा सारा शूट मेरे रूम में ही होता है, बट ये है मेरी बैल्कनी, और यूजुअली ना मेरी बैल्कनी को बनाते हैं कपड़े सुखाने वाला और रखने वाली बैल्कनी, और पापा ने इस बार एक बैरियर सा बना दिया कि कपड़े वहां धुलेंगे, और मैं और जुमरी और मैं और जुमरी यहाँ खेलेंगे। और फिर मेरे रूम के बाहर है यहाँ से ऑफिस, बट यहाँ पे झुमरी का थोड़ा एरिया, यहाँ पे सब झुमरी का सामान रखा है शीश, और यह एक हॉलवे जो आप लोगों ने मेरे स्कूल वाले वीडियोस में देखा होगा, सिर्फ स्कूल हॉलवे, यहाँ पे हम पनिशमेंट में खड़े रहते हैं। और ये है इस घर की बड़ी वाली हॉलवे, मतलब मेन एंट्री हॉलवे, और ये हॉलवे भी लाइक कितनी सुंदर है, यहाँ पे इतनी सारी डेकोरेशन है, मम्मी ने डेकोरेशन की थी तो आई थिंक वीडियो आया है उसका, फिशर चैनल पे देख लेना, ऐसी काफी ज्यादा डेकोरेशन है। और हाँ, ड्रॉइंग रूम, यहाँ पे जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम लोग यहाँ पे ही मजे करते हैं, बातें करते हैं। ये हमारा सोफा है, और ये रूम में भी आपने इतने सारे वीडियो देखे होंगे, कॉलेज स्कूल पार्टी वाला एरिया, फिशर पार्टी एरिया, ये मेरे रूम की तरह बहुत मल्टीपर्पज है। और यहाँ पे है मेरी लाइक अचीवमेंट्स वॉल जो कि मेरे को अवार्ड्स मिले हैं, जो भी लाइक मम्मा को अवार्ड्स मिले हैं, और प्ले बटन जो आपके प्यार से मिले हैं, और ये 10 मिलियन वाला तो मेरे हार्ट के लिए बहुत स्पेशल है। और ये हमारे टेरेस की एंट्रेंस, गार्डनिंग प्लस सिटिंग एरिया प्लस पापा मम्मी का जंगल, मेरे पापा मम्मी को प्लांट्स लाना बहुत अच्छा लगता है, हर महीने वो जाते हैं प्लांट शॉपिंग और नए नए प्लांट्स ले आते हैं। और ये जगह से निकल के हमारी एक और बालकनी आ जाती है, हमारी फैमिली गैदरिंग की हैंग आउट बालकनी है, यहाँ पे देखो कितने प्यारे दिवाली लाइट्स लगे हैं, और ये साइड में हमारा मंदिर और पैंट्री। तो ये है किचन जहाँ से मेरे को सिर्फ खाना लाना पसंद है, बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर आपको इन डेप्थ किचन टूर चाहिए तो वो मम्मी जल्दी ही लाएंगी।
ये गेस्ट रूम, गेस्ट तो यहाँ पे आते रहते हैं और हम भी यहाँ पे ही पड़े रहते हैं क्योंकि इस रूम की वाइब बहुत अच्छी है। हा 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 हा। ये है पापा मम्मी की बालकनी, यहाँ पे तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन करी हुई है, ग्रास बिछा रखी है और मेरी बालकनी को ऐसी बना रखा है और यहाँ पे भी जुमरी पोटी करती है। ये हमारी छत जहाँ से हमें पूरा नोएडा दिखता है और हम लोग 9th फ्लोर पे रहते हैं, इसलिए हमारे पास छत का फायदा है और पूल का फायदा भी है। और रात को हमारा नोएडा कुछ ऐसा दिख रहा था। हाँ जी, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा होम टूर? इस घर का कोई कोना नहीं है जहाँ पे मैंने चैलेंज नहीं किया होगा या कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, तो आई फील लाइक आप लोगों को मेरा घर मेरे जैसे बहुत अच्छे से पता है। तो चलो अब ऑलरेडी की नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं। तो आपको तो पता ही है वीकेंड चल रहा है, मेरे को पेंटिंग करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए स्पेशल टी शर्ट बनाऊंगी और इस बारी पेंट करूंगी मैं टी शर्ट पे। पहले आप ये शॉट देखो, कम टू द एरास टूर मूवी विद मी एंड। तो बेसिकली मैं टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक वीडियो की आउटफिट इस टी शर्ट में पेंट करने की कोशिश करूंगी। तो पहले मैंने एक व्हाइट कॉटन की टी शर्ट ली है और उसमें मैं लिखूंगी जूनियर जूल्स। A few moments later. तो इतना सब होने के बाद मेरी टी शर्ट भी गंदी हो गई थी, मुझे चेंज करना पड़ा, बट हमारी फाइनल टी शर्ट हो गई है रेडी। तो इसमें मैंने टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक वीडियो यू बिलोंग विद मी की टी शर्ट रिक्रिएट किया और जो उसका लाइक उसमें टेक्स्ट लिखा था वो मेरे को पता नहीं था, तो उसको मैंने रिप्लेस करके उसके सारे एल्बम्स लिख दिए हैं। तो अब इसे पहन लेते हैं। कभी कभी ना मजा सजा बन जाती है। इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है। तो मेरे को भी इस सजा मिली है और मेरे को करना है एक टास्क जो मेरे को मम्मी ने दिया है, मेरे को सारे अपने गर्मी के कपड़े अंदर डालने हैं और सर्दियों के कपड़े बाहर डालने हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि इट्स टाइम फॉर वाटर रीअरेंज। कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आ रहा, इतने कपड़े हैं। तो ये सारी मेरी ड्रेसेस हैं गर्मियों की जो मैं अंदर रखने वाली हूँ क्योंकि सर्दियों में ड्रेसेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। वार्डरोब रीअरेंज हो गया, अब चलो कुछ खाने चलते हैं। तो वैसे तो मैंने कभी कुकिंग की नहीं और लास्ट टाइम जब मैंने की थी तो मैंने बहुत गंदी कुकिंग की थी, तो आज मैं अपनी एक्सपर्ट के साथ बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड। और क्योंकि छुट्टी है और अनंतिया तो कुछ बनाना जानती नहीं है, तो मैंने इसको बोला है कि जरा मेहनत करके सीखो कैसे बनता है क्या बनता है। और ये सिर्फ कैमरे के लिए बना रही हो या आगे भी बनाओगी? नहीं सिर्फ कैमरे के लिए, बहुत बुरे लग रहे। नहीं नहीं आगे बनाने की कोशिश करूंगी। खाओ माँ कसम। तो पहले हमने ये लिया बटर और ये लिया गार्लिक। गार्लिक को ही मैंने बटर में डाल दिया और इसे कर दूंगी मैं मिक्स। तो ये तो मेरी कुकिंग का किचन है जहाँ पे हम ये गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, लेकिन चाय भी बन रही है, तो इन गार्लिक ब्रेड को हम अपनी इवनिंग टी के साथ पियेंगे। अब हम इसे ब्रेड पे लगा दे रहे हैं ब्रेड। तो ये जो मैं गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ उसकी रेसिपी मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी, और अगर यूट्यूब में कमेंट्स नहीं है तो आप इंस्टाग्राम में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या क्या बनाना आता है, और आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करके जरूर बताना कि आपको ये गार्लिक ब्रेड अच्छी लगी या नहीं। ट्राई मेरी जबान तेज चलती है इसीलिए। मम्मी देखो आप कुकिंग मेरे को सिखा दी, पर आपको किसने कुकिंग सिखाई? वैसे जो मैंने कुकिंग सीखी है ना, मैंने वो किसी से सीखी नहीं है, मैंने देख के ही कुकिंग मुझे आई है। और मैं ज्यादा अपनी मम्मी के साथ, जैसे आप नहीं रहती ना किचन में, मैं भी ज्यादा मम्मी के साथ किचन में रहती नहीं थी, लेकिन मम्मी की कुकिंग मैं देखती थी या उनसे पूछ लेती थी ये ग्रेवी कैसे बनेगी या इसमें कैसे टेस्ट आ रहा है, तो टिप्स लेके खुद ट्राई किया, ट्राई एंड टेस्टेड। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे बहुत सारी चीज क्योंकि गार्लिक ब्रेड चीज के बिना अधूरी है। सो कुकिंग करते करते मैं अनंतिया से एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो मीम कमेंट्स होते हैं उन्हें अनंतिया कैसे लेती है? अच्छे से तो नहीं लेती है अनंतिया, बीच में थोड़ा सैड हो जाती थी कमेंट्स जैसे कि आए कि आप क्रिंज कंटेंट बनाती हो। अरे भाई एक रुमाल देना। हमसे भी क्रिंज बनाती है क्या? क्या बात कर रहा है, हमारे से अच्छा क्रिंज कोई नहीं बना सकता। और मैं बताती हूँ एक कुछ कमेंट्स, क्योंकि अनंतिया ज्यादा पढ़ती नहीं है, आई थिंक इसने चुपके से अब पढ़ ली है कमेंट्स, लेकिन कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप पहले ही अच्छी थी। आई नो मैं भी अनंतिया से यही कहती हूँ कि आप पहले ही अच्छी थी, क्योंकि क्यूट जो बच्चा होता है तो वो क्यूट होता है, प्यारा सा होता है, जब बड़ा होता है तो मेच्योरिटी आएगी, लेकिन अनंतिया भी बदलेगी टाइम के अनुसार, क्योंकि
चेंज तो लाइफ में आता है। अनंत्या थोड़ा सा सैड हो गई है उन कमेंट्स को पढ़ के। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। आपका मन कर रहा है मीन कमेंट्स करने का तो आप मीन कमेंट्स करो, अच्छे कमेंट्स करने हैं अच्छे करो, जैसे करने करो। बाकी अनंत्या को धीरे धीरे मैं समझाई दूंगी। फिर आप कहेंगे कि देख अपनी मम्मी से बुलवाती है, खाओ माँ कसम। तो क्या हो गया, मम्मी से बुलवाएगी, मम्मी से तो शेयर करेगी बातें। और क्या, माँ से नहीं करेगी तो किससे करेंगे। लेकिन उसमें इतने सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि अनंत्या यू आर द बेस्ट, आई लव यू। मैं मोस्ट ऑफ द कमेंट तो वैसे ही आते ना, मेरे डायलॉग काट यही यार। मेरे को बोलने ही डायरेक्टर, मेरी जबान तेज चलती है इसीलिए इतना मैंने कुछ। गाइस मेरी तो रोस्टिंग हो चुकी है, मम्मा की बारी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग कह रहे हो कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, बट आपने मम्मा के वीडियोस देखे हैं। बढ़ती को विक्की राजू बेचारे कट कट करके इतने मुश्किल से आते हैं, ठीक है। अगर आप मम्मा को देखोगे तो कुछ फंबल करेंगी, वहां से शुरू कर जाएंगी। फिर विक्की राजू कहेंगे कि भाभी धीरे कर लो, भाभी मेरे से, भाभी धीरे कर लो, भाभी वो ये वीडियो कैसे ऐसे ही होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं अब ये विक्की राजू पे चिल्लाने लग जाती है। मैं नहीं चिल्लाती। चिल्लाती हो? मैं चिल्लाती हूँ बेटा, कट चिल्ला। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अब इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो का तड़का करेंगे, तो हमें इसे 7 to 8 मिनट्स करना होता है। अनंत्या 6 मिनट्स हो गए। तो गार्लिक ब्रेड निकल गई है एयर फ्रायर में से, मैं सबको ये दूंगी। आपको ये वीडियो में लग रहा होगा कि मार्टिना कौन है। मार्टिना हमारे घर आई है एक स्टेज प्रोग्राम से और हम लोग उसे होस्ट कर रहे हैं। मार्टिना हमारे घर ही रहेगी अभी कुछ दिनों के लिए। मार्टिना फेस्टिवल में आई है दिवाली फेस्टिवल में, तो हमने इसको दिवाली फेस्टिवल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दिया। एंड शी विल टेल दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। यस, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। तो हम लोगों ने मार्टिना को ग्रीटिंग करना भी सिखाया है। हम लोगों ने उसे बताया कि हम लोग अभी दिवाली टाइम पे किसी भी पार्टी या किसी को ऐसी देखने जाएंगे तो कैसे बोलेंगे। मार्टिना बोल के दिखाएगी, नमस्ते, हैप्पी दिवाली। मार्टिना को इंग्लिश थोड़ी कम आती है और हिंदी तो आती है नहीं, हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती है, तो हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बाकी हम लोग ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं और हम लोग लाइक बातें करते हैं तो ट्रांसलेटर से कर लेते हैं। मार्टिना आर यू लाइकिंग इंडिया? मार्टिना दिव्या चली इंडिया। Yeah. तो जब हम लोग हॉलीडे में दिवाली पार्टी में गए थे और या हम लोग किसी भी रिलेटिव के घर जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे मार्टिना को हम अपना लाइक कल्चर दिखाएं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको ट्रेडिशनल बनाते हैं, जैसे लहंगा कुर्ता। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बिंदी लगाते हैं और आज हम सोचते हैं कि हम उसे हीना भी लगाएं। मार्टिना को मतलब पंजाबी गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग बहुत वाइब करते हैं। हाँ, तो हम मार्टिना का भी कल्चर उससे सीख रहे हैं। हाँ, मेरे को कुछ वो भी वो सिखाती है और लाइक खाने को क्या बोलते हैं वो भी सिखाती है, बट मैं भूल जाती हूँ। आपने जो गाना सीखा है वो बोल सकते हो। ए ओला ओला सी सा सेंपर फर्नांडो सिल्वा, ए ओला ओला। और मार्टिना को कौन सा हिंदी सॉन्ग पसंद है? व्हाइट ब्राउन ब्लैक, वो हम लोग बहुत वाइब करते हैं सारे। तो चलो अब बहुत ज्यादा बातें हो गई है, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं क्योंकि शाम भी हो गई है। रात को अब बस मैं थोड़े गाने सुन के अलेक्सा पे सो जाती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये था हमारा हॉलीडे रूटीन। और अगर आप लोगों की रूटीन वीडियो अच्छा लगे और आपको अच्छा लगे देखने में कि मैं हॉलीडेज में मैंने क्या किया है, मेरे नए एक्सपीरियंसेस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो आई होप आपकी हॉलीडेज अच्छी गई हो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। Alexa, light off kar do. Okay.